हम सब मिलकर अपने बच्चों को एक बेहतरीन शुरुआत दें, स्तनपान के लिए पूर्ण सहयोग दें। इस नए विज्ञापन के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय माँ के दूध पिलाने को बढ़ावा देगा। 20% नवजात और 13% 5 साल के बच्चों की मौत की वजह माँ के दूध का ना पिलाना है। आंकड़ों की माने तो देश में 80% बच्चों का जन्म अस्पतालों में होता है। वहीं दूसरी ओर महज 45% माँ ही जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को अपना दूध पिला पाती हैं। जिन बच्चों को दूध नहीं मिलता उनके विकास में बाधाएं शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने यूनेस्को के साथ मिलकर माँ के दूध पिलाने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कार्यक्रम चलाया है। इसके लिए मंत्रालय ने माधुरी दीक्षित को माँ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली में हुई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 1.5 लाख बच्चों को माँ का दूध पिलाकर मौत से बचाया जा सकता है। कॉन्फिडेंट दैट दिस इज गोइंग टू मेक अ ग्रेट दिस विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन रिड्यूसिंग द अंडर 5 मॉर्टेलिटी। डियर फ्रेंड्स, वी ऑल नो एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट द नेशनल हेल्थ इंडिकेटर्स आर डिक्लाइनिंग faster than the world pace of the world health indicators. वहीं इस मुद्दे पर माधुरी दीक्षित ने भी माँ के दूध की विशेषता पर जोर दिया। माधुरी ने कहा कि बच्चों को 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाया जाए, जब तक डॉक्टर ना कहें पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। Mother's milk in the first hour of birth, which is also known as colostrum, is critical, and every family member has to encourage the mother to ensure that the child gets it. The family, especially the husband, must support his wife who has delivered his baby. कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण रही आशा कार्यकर्ता, जिनके ऊपर इस मिशन को सफल बनाने का पूरा भार है। हमने कहा कि सास कहे या परिवार वाले, आप सिर्फ स्तनपान 6 माह तक करवाएं, दिन में 10 से 12 बार और रात के 2 से 3 बार। रात में ज्यादा दूध पिलाने से ज्यादा दूध बनता है और तुम्हारा बेटा बहुत होशियार होगा। माँ का दूध नवजात बच्चों के लिए बेहद जरूरी होता है। अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसे मधुमेह, मोटापा जैसे रोग नहीं होते, तो वहीं माँ को ब्रेस्ट कैंसर भी नहीं होता। इन फायदों को देखते हुए भी मंत्रालय इस मिशन को जोर शोर से सफल करने में लग गया है। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए अलग से बजट बनाया है, जिसमें 30 करोड़ की अतिरिक्त मदद दी जा रही है।